कामयाब, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी तफ्तीश ना ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी हाथ बढ़ाऊंगी ना तो उनका लीडर मेरे हाथ में है। मॉम, मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाह रही हैं। मैंने आपका निकाह पोस्टपोन कर दिया। टेक योर टाइम, अच्छी तरह से सोचो। अब आ गई? अब नजर आ रही है तो आ गई होंगी। अब मुझे अंदाजा था आप आने वाली हैं, इसलिए मैंने सोचा आपके लिए कुछ खाने को ले। हाँ, वैसे भूख तो मुझे बहुत लगी है। क्या लाए खाने में? अंडे वाला बर्गर। अंडे वाला बर्गर? वो मैं कह रहा था अम्मी ने आपकी शान में कोई गुस्ताखी तो नहीं की? नहीं, आज तो बहुत ही खामोश थी तुम्हारी अम्मी। तो फिर जिसकी मेहनत का ये किया धरा है उसको शाबाशी तो मिलनी चाहिए ना। हाँ, मिलनी तो चाहिए। हाय, तो दीजिए ना। कामी आ गया वापस? कामी? ये कामी कहां से बीच में आ गया? हाँ, ये सब तो कामी ने कराया। उन्होंने बात की थी आपकी अम्मी से, मेरी बात हो गई है कामी से, उन्होंने कराया सब। अरे वो तो सुबह से घर पर ही नहीं है। ये अम्मी की ट्यूनिंग तो मैं ही कर रहा था कि आपको नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, नौकरी ना छोड़नी पड़े? आपको क्या लगता है आपकी अम्मा मेरे पीछे पड़ेगी और उनके कहने पे मैं अपनी नौकरी छोड़ूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। इस दुनिया में अब तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो दिलशाद की नौकरी छुड़ा सके। वाह वाह, वाह वाह। क्या हुआ मेरी प्यारी अम्मी जान, आपने सर पे दुपट्टा क्यों बांध रखा है? आए, मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है। क्या ब्रेन ट्यूमर? किसने कहा आपसे? अशफाक कह रहा था। अशफाक भाई क्या डॉक्टर हैं क्या? अब एक काम करें, कल मेरे साथ चलें डॉक्टर के पास, आपका चेकअप कराते हैं। अब हो जाता है कभी कभी सर दर्द। ना ना ना, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, वो मेरा अपेंडिक्स निकाल देगा। मैं जाऊंगी, वो झुनझुन वाले बाबा है ना, जरा कोकाफ से आ जाए, उनके पास जाऊंगी। ये अशफाक भाई ने आपसे कहा ना आपको ट्यूमर है? अच्छा, इसका मतलब है कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। आपका सारा ध्यान जो है ना वो भाभी की नौकरी से हटाना चाहता है। बहुत तेज है ये। ये क्या कह रहे हैं तू? जी, इस घर में हमेशा सिर्फ और सिर्फ अम्मी जान आपका हुक्म चला है। अगर एक ने भी मानना छोड़ दिया ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि एक एक करके कोई भी नहीं मानेगा, और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही कह रहा है तू। क्या हुआ, सर तो नहीं दुख रहा मेरा? कहा था ना मैंने आपको कुछ भी नहीं है। अच्छा, आने दे अशफाक को, बेवकूफ पर समझता है मुझे। है अम्मा, प्लीज मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। हाया, शेरबानो, इनके बारे में सोचो ना। बस चुप कर जा। एक बार तेरी बात मानकर मैंने नुकसान उठा लिया, अब मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। अब वही होगा जो मैं चाहूँ, समझ आई? अम्मा, इस दौरान अगर इनके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ गया तो आ जाए तो आ जाए, मगर इस बार पहले तेरी शादी करूंगी फिर इनकी। अभी हया की शादी के लिए काफी वक्त पड़ा। वैसे अम्मा एक बात बता दो, ये बहुत बुरी बात है, इन दोनों के चक्कर में ना हमेशा मैं लटक जाती हूँ। क्या बच्चों की तरह जिद कर रही हैं? ये लगा ले, अच्छा हो जाएगा ना चेहरा। क्यों, क्या बुराई मेरे चेहरे में? मैंने कब कहा कि कोई बुराई है? तो फिर रहने दो ना, मुझे अपने मुंह पे नहीं थोपनी ये सब चीजें। लगाना पड़ेगा और सीख जाओ ये, वैसे ही शादी के बाद ये सब करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ता है? अरे इन सब के बगैर ही जिंदगी गुजर सकती है। मुझे ना बताओ ज्यादा। यार कभी तो दूसरों की बात सुन लिया करें। नहीं यार, मुझे बहुत अजीब लगता है ये सब। बोलो, क्यों मिलना था मुझसे? कुछ समझाना था मुझे। समझाना था या घुमाना था? गेम खेल रही हो मेरे साथ? बेवकूफ बनाना चाहती हो मुझे तुम? अगर मैं गेम खेल रही होती तो इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही होती? आई नो आपको ये लगता है कि मैंने मंगनी सिर्फ इसलिए की थी कि मेरी बहनों की शादी हो जाए, फिर मैं ये मंगनी तोड़ दूंगी। तो शादी तो हो गई है ना कामरान, और मंगनी तोड़ने का बहाना भी मिल गया मुझे। तो फिर इस वक्त मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? हाँ, कोई जवाब है आपके पास? कामरान, मैंने मंगनी अपनी मर्जी से की, सोच समझ के इसलिए नहीं की थी। लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है, आप शक कर रहे हैं, तो शक का तो कोई इलाज ही नहीं है। आया तुम बिल्कुल ठीक है। मंगनी बहाना होती तो तुम यहाँ ना होती। शायद मैंने ओवर रिएक्ट कर लिया। I'm sorry. कामरान, not again, please. तेरी जिंदगी में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम चल रही है। आई कैनॉट अफोर्ड एक और कोई भी ऐसा मसला। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। आया, एक्चुअली तुम मेरे लिए मेरा सब कुछ हो। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो तो ये मैं कभी इमेजिन ही नहीं कर सकता। प्लीज आइंदा हमारा रिश्ता खत्म करने का सोचना भी। आई होप यू अंडरस्टैंड। एनीवेज, तुम्हारी बात। आया, बहुत भूख लगी है। तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया मेरे लिए? नहीं, मैं वेट कर रही थी तुम्हारा। मुझे काफी भूख लगी है। बात सुन, तलाक दे अपनी बीवी को फौरन। क्या 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 बातें कर रही हैं अम्मी जान? आप होश में तो हैं अम्मी जान? क्या कर रही है? अम्मी जान, ये हल्दी का पेस्ट है। पता है मुझे नादिया खान का मॉर्निंग शो आता है ना, उसमें मैंने देखा था कि अगर ये सही से मैं आपके माथे पे लगा दूंगी ना तो आपका सारा ट्यूमर चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ट्यूमर? कोई ट्यूमर वो बीमार नहीं है। अच्छा, मुझे ऐसे ही बकवास कर रही, नहीं लगाना भाई मुझे आटा। हाय, क्या हो गया? इतनी जल्दी ठीक हो गया? झुनझुन वाले बाबा ने अपना झुनझुना बजा दिया। अरे कोई झुनझुने वाला बाबा और कोई ट्यूमर व्यूमर नहीं है। अच्छा, ये वो जो अशफाक है ना, बेवकूफ बनाया उसने मुझे। बेवकूफ बनाया? कितनी बड़ी बात है, मगर क्यों? अरे वो इसलिए कि मेरा ध्यान हट जाए उसकी बीवी की नौकरी से। कितनी बुरी बात। हाँ भाई, आजकल ऐसे ही नालायक और मरदूद बच्चे पैदा हो रहे हैं। तू भी ध्यान रखना। अच्छा, तेरे भी ऐसे ही बच्चे हो जाएंगे, ध्यान रखना, कोई उम्मीद ना रखना। नहीं अम्मी जान, आप गलत समझ रही हैं। अशफाक भाई तो बहुत अच्छे इंसान है, बेवकूफ से है। वो ऐसी प्लानिंग कहाँ कर सकते हैं। ये जो उनकी बेगम है ना, ये बहुत चालाक है, ये इसी की प्लानिंग होगी। बिल्कुल ठीक कह रही है तू, बात मेरी समझ में आ गई। और अगर इन लोगों ने मुझे, रजिया बेगम को अगर इन्होंने बेवकूफ समझा है ना, तो देखना मैं इनके साथ करती क्या हूँ। जी अम्मी जान। ये जो आइसक्रीम बना के लाइए ना, जाइए उसी की बीवी के माथे पे मल दे, उसका ट्यूमर ठीक हो जाएगा। जा ले जा। जी अम्मी जा, जैसा आप कहे मैं वैसा ही करूंगी। उन्हीं को लगाऊं मैं सर में, टूमर करने आ गई। हारिस, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी माम बोले। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं माम, बस ऐसे ही। ठीक है सब। अच्छा हारिस, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि फायजा कल से आपके साथ ऑफिस जाएगी। ओके? फायजा ऑफिस जाएगी? मगर क्यों? अरे भाई, घर में पड़े पड़े बोर हो जाती है। ऑफिस ज्वाइन करेगी तो कुछ बिजनेस का आइडिया भी हो जाएगा ना। वैसे भी आगे चलकर आप दोनों ने ही बिजनेस संभालना है ना। मॉम, फायजा तो यहाँ पढ़ने के लिए आई थी, तो ये ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, तभी तो कह रही हूँ। अच्छा, मैं ना बाबा से बात करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं बात कर चुकी हूँ उनसे। तो मॉम फिर मुझे बताने की क्या जरूरत है? जो आपका जी आया आप वो करें। हाँ हाया यार, कामी से बात करके ना कसम से घर में बहुत सुकून हो गया है, वरना हर वक्त ये नौकरी की तलवार ना मेरी गर्दन में लटकी रहती थी। अब तो आज सुबह भी ना किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। वो सबकी मदद करता तो है। हाया, मैं तो सोच रही हूँ कि तुम्हारे और हारिस की बात ना मैं डायरेक्ट कामी से कर लूँ। मुझे पूरा यकीन है कि सच जानकर ना खुद ही रस्ते से हट जाएगा वो। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल उससे इस किस्म की कोई भी बात नहीं कीजिएगा। जब सही वक्त होगा मैं खुद उससे बात कर लूँगी। ठीक है। अरे ये औरत तो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती। फिर वो पुलिस वाला यूनिफॉर्म पहन के चल दी। मुझे तो हारिस पे ऐसा गुस्सा आता है कि उसका गिरेबान पकड़ूं और कहूं कि ये मुसीबत हमारे ही मथे मारनी थी तुमने। उनसे झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं, ये हमारे घर का मामला है, हमें खुद ही निपटना होगा। निपटाने वाली कहानी नहीं लग रही। इंतहाई ढीठ और मीसनी औरत है ये दिलशाद, आसानी से नहीं मानेगी। ठीक है अम्मी जान, फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता निकलता है। इंसान है तो तुम्हें पता चले, वो तो बचपन से ही ऐसे एक नंबर का दो नंबर इंसान है वो। अब देखिए ना, मेरे घर वाले उन पे कितना ट्रस्ट करके बैठे थे, लेकिन वही इंसान है जिसने ना सबकी जड़ें काट दी। अरे बेगम, यही तो काम है उसका, बचपन से मेरी जड़ें काट रहा है वो। कहीं से लगता है मेरा बड़ा भाई। अरे मैं अशफाक भाई की बात नहीं करी, छोटे की बात करी हूँ, कामी की। उसने क्या किया? वहाँ आपा और हया को बोला है कि तुम्हारी अम्मा को समझाएगा नौकरी के मसले में, और यहाँ पे उल्टा तुम्हारी अम्मा को भड़का रहा है। वैसे एक बात है बेगम, कामी है बड़ा चला। अरे ऐसे ही तो नहीं पूरे घर को अपने इशारों पे नचा रहा। अम्मी भी हर बात मानती हैं उसकी। बेगम मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सारा नोटों का खेल है और कुछ नहीं है, इसीलिए कामी की चलती है। दिल तो मेरा चाह रहा है कि अभी अम्मा जान को फोन करूँ, उन्हें सब कुछ बता। अरे छोड़ो ना बेगम, वो दोनों आपस में निपटते रहेंगे एक दूसरे के साथ, तुम्हें क्या पड़ी है? आई मीन कुछ बोलोगी बीच में तो बुरी बनोगी। क्या तो आप ठीक ही रहे, वैसे मैं क्यों बुरी बनूं? बस मैं तो अपने मुंह पे ताला लगा के रखती हूं, ज़्यादा अच्छा है। अरे तुम क्या, हम दोनों ताला लगा के रखते हैं, चिल मारते हैं, छोड़ो ना। हया आज तो बहुत उदास लग रही है, सब ठीक तो है? दिल बहुत घबरा रहा है। दिल तो मेरा भी आजकल बहुत घबराता है। बस यही सोचती रहती हूँ कि पता नहीं मेरी बच्चियों के नसीब में क्या लिखा है। लेकिन तू तो मेरी बहादुर बेटी है ना, और हिम्मत वाली भी। ये तेरा जो चेहरा है ना, इस तरह उदास में नहीं देख सकती, अच्छा भी नहीं लगता ऐसे। चल चल के कुछ खा ले और थोड़ा मुस्कुरा दे मेरा बच्चा। चल आ अशफाक। अरे अशफाक कहाँ मर गया? अशफाक, अरे आवाज नहीं आ रही मेरी। अब आ रहा हूँ मम्मी जान, आ रहा हूँ। आदाब आदाब के बच्चे, कानों में क्या रुई ठोसी हुई थी? कितनी देर से आवाजें दे रही हूँ, आवाज नहीं आ रही थी क्या? अम्मी जान, कमरे से निकलने में थोड़ा सा वक्त तो लगता है, आप हुक्म कीजिए। बात सुन, तलाक दे अपनी बीवी को फौरन। क्या बातें कर रही हैं अम्मी जान, आप होश में तो हैं अम्मी जान? अरे क्या पहेलियां बुझवा रही हूँ, सीधी सीधी बात कर रही हूँ। निकाल इसे, दिखा घर का रास्ता। अम्मी जान, आपसे बहुत मौतबाना गुजारिश है कि मेरे साथ ऐसी नामुनासिब बातें मत करें, ये अच्छी बात नहीं है। आप बड़ी हैं, आपको अब बड़ों की तरह हुस्ने सलूक करना चाहिए। तू तो इंतहाई नालायक है, मनहूस कहीं का। अरे कितनी दफा मैंने उससे कहा नौकरी छोड़ दे, छोड़ दे नौकरी, प्यार से समझाया, अब नहीं मानी ना, तो यही रास्ता रह गया। निकाल इसको जल्दी और इसकी अम्मा के घर भेज, जल्दी से। अम्मी जान, अम्मी जान, कुछ भी हो जाए, एक बात आप मेहरबानी फरमा कर सुन लीजिए, मैं दिलशाद को तलाक नहीं दूंगा। आप वालदा मोहतरमा हैं, आप जो करना चाहती हैं कर लीजिए, मगर मैं दिलशाद को तलाक नहीं दूंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। पता नहीं क्या घोल के पिला दिया इस मनहूस ने। छोड़ूंगी नहीं, निकाल के ही रहूंगी तुझे तो।